मित्र इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोक कहते हैं उन लोगों को 14 अप्रैल 2021 परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्हें हम भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, जिन्हें अभूतपूर्व धम्म क्रांति के लिए धम्म चक्र प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, ऐसे आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष में मैं अपनी ओर से वंदना संघ दीक्षा भूमि की ओर से उन्हें अपनी आदरांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही इस उपलक्ष में सारे ही दर्शकों को विशेष तौर पर भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोक कहता है, यह पहचान हमें उस संविधान में दी जिस संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन भारत के लोगों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ, सप्रेम जय भीम करता हूँ और उनको विनम्र साधुवाद भी देता हूँ। मैं आज वैसे तो आपसे 14 अप्रैल 2021 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 130वीं जयंती के बारे में बात करनी चाहता था, परंतु मैं उस संबंध में बात नहीं करूँगा। मैं कुछ और बात आपसे करना चाहता हूँ। इसी दिन अर्थात 14 अप्रैल 2021 को जब नागपुर के पास वारंगा गांव में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रशासकीय इमारत का जब प्रशासकीय भवन का जब उद्घाटन समारोह हो रहा था, उस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद बोबड़े जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने 14 अप्रैल 2021 के औचित्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में कुछ विधान किया। वो विधान ऐसा था कि माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो ऐसा प्रस्ताव रखा था, ऐसा उनका विधान है। तो मैं आज आपसे इसी विधान के संबंध में बातचीत करना चाहूँगा। मैं आपसे उसी विधान के संबंध में आपसे संवाद प्रस्थापित करने का प्रयास करूँगा। माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री शरद बोबड़े जी 14 अप्रैल 2021 को जब वह ये बात कर रहे थे, जब ये विधान कर रहे थे कि माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में संस्कृत भाषा या राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा, उस समय वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश थे, परंतु 23 अप्रैल 2021 को वह निवृत्त हो गए हैं। और इसीलिए अब मेरे भाषण में, मेरे वक्तव्य में जब भी उनका संबंध आएगा, तब आप वह निवृत्त तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, परंतु वर्तमान में निवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, इस प्रकार का संदर्भ आप लोगों को समझना होगा। इस संबंध में हम बात करते हैं। उसके पहले 14 अप्रैल 2021 के संबंध में मैं आपसे कुछ थोड़ी सी दो मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। जिस भारत के संविधान में 14 अप्रैल 2021 परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती, जिस भारत के संविधान में हमें भारतीयत्व प्रदान किया, भारतीयत्व यह हमारी पहचान दी, जिस भारत के संविधान ने हमें भारत के सार्वभौम लोक करके घोषित किया, उस संविधान के निर्माता की यह 130वीं जयंती, हम यह जयंती पिछले साल भी कोरोना की वजह से सार्वजनिक तौर पर नहीं मना पाए, इस साल भी हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर यह जयंती नहीं मनाई। हमने अपने अपने घर पर ही हमारे
मार्गदाता, हमारे भारत के संविधान के निर्माता, जो संविधान हमारा मुक्ति का प्रलेख है, उस संविधान के निर्माता को अपनी आदरांजलि अर्पित करने का प्रयास किया। साधारणतया हम भारत के लोग, सारे विश्व में ये जयंती मनाई जाती है, भारत के लोग उसको प्रमुखता से मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि भारत के लोग डॉक्टर बी आर आम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान, संविधान की उद्देशिका, संविधान में दिए गए मूलभूत मौलिक अधिकार, संविधान में दिए गए मूलभूत स्वतंत्रताएं, संविधान में जो भारत का सपना देखा गया वह सपना सार्वभौम भारत की संकल्पना, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना, और साथ ही संविधान ने इस समाज में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन मूल्यों की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, उस संविधान को हम अपने मुक्ति का प्रलेख मानते हैं। और इस संविधान के निर्माता को 14 अप्रैल को हम लोग अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए इस दिन को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। परंतु इस 14 अप्रैल का वैशिष्ट यह है कि जैसा मैंने पहले कहा है कि इस 14 अप्रैल को नागपुर के निकट ही वारंगा नाम के गांव में महाराष्ट्र शासन द्वारा, केंद्र शासन द्वारा दोनों ने मिलकर एक महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की और उस विधि विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन का उद्घाटन समारोह उस दिन आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान निर्माता का जन्मदिवस है और उस उपलक्ष्य में इस विधि विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन का उद्घाटन समारोह हो रहा था और उस समारोह में उस समय के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति शरद बोबड़े जी मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान थे और वह मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो इस प्रसंग में मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से आदरांजलि अर्पित करते हुए शरद बोबड़े जी, सर्वोच्च न्यायालय के उस समय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने जो वक्तव्य किया, उस वक्तव्य को पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह वक्तव्य नागपुर के सारे ही वर्तमान पत्रों में, वृत्त पत्र में प्रकाशित हुआ है। यदि देखना चाहे तो मेरे पास उसकी प्रतियां हैं, मैंने कटिंग रखी हैं, आप देख सकते हैं। उस समय वह कहते हैं कि माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो ऐसा प्रस्ताव रखा था। आगे अपने भाषण में वो कहते हैं कि इस देश में जो हाई कोर्ट्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनमें कुछ हाई कोर्ट्स अंग्रेजी में अपना कामकाज करते हैं, कुछ हाई कोर्ट्स हिंदी में अपना कामकाज करते हैं, परंतु साथ ही कुछ हाई कोर्ट्स चाहते हैं कि जैसे तमिल में कामकाज हो किया जाए, तेलुगु में कामकाज किया जाए, तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में कामकाज हो सर्वोच्च न्यायालय का, इस प्रकार की मांग की जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में किसी ने भी इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश बोबड़े जी अपने भाषण में कहते हैं। उसी भाषण में बोबड़े जी कहते हैं कि परंतु माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, संविधान सभा ने, सभा में इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा था, ऐसा प्रस्ताव रखा था। बाद में वो कहते हैं कि इस प्रस्ताव पर कुछ विद्यार्थी और पंडितों ने भी समर्थन के रूप में अपने हस्ताक्षर किए थे। ये विसंगति है, ध्यान रखिए, इसके और मैं जानबूझकर आप लोगों का ध्यान आकर्षित, पहला तो प्रस्ताव की बात करते हैं, बाद में यह कहते हैं कि इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ विद्यार्थियों ने और कुछ पंडितों ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। बाबा साहब अंबेडकर ने यह प्रस्ताव क्यों रखा था, इसका स्पष्टीकरण देते हुए माननीय न्यायमूर्ति जी कहते हैं कि उत्तर भारत में तमिल, तेलुगु या दक्षिण भाषाओं का विरोध होता है और दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है और इसीलिए इस विरोध के चलते माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
इस संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। आगे वह कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल विधि के पंडित नहीं थे, केवल कानून के पंडित नहीं थे, तो वह उनको समाज के बारे में जानकारी थी, उनको राजनीति के बारे में जानकारी थी, वो गरीबों के दरिद्र लोगों के प्रश्नों के बारे में जानकारी रखते थे। और इस सारे परिप्रेक्ष्य में विचार कर उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था। परंतु बड़ा खेद और खंत व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। और इसी वृत्तपत्र से, जिस वृत्तपत्र से मैंने ये बात मिली है, यह मैंने समाचार लिया है, वह वृत्तपत्र एक विशेष नोट में कहता है कि सर न्यायाधीश जब अपना भाषण आरंभ कर रहे थे तो माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती यह उल्लेख उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उल्लेख किया माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, जयंती को उन्होंने पुण्यतिथि कहा। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, परंतु ऐसा उल्लेख किया। और फिर आगे वह कहते हैं कि भाषण के आरंभ में वह कहते हैं कि माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस पुण्यतिथि के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एक बात का स्मरण होता है। और वह स्मरण करते हुए वह कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संस्कृत यह राष्ट्रभाषा हो ऐसा प्रस्ताव रखा था। दूसरे वृत्तपत्र में इसको और थोड़ा सा जोड़ दिया गया है और वह दूसरा वृत्तपत्र कहता है कि इस प्रस्ताव को रखने से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अलग अलग धर्मों के मान्यवरों से भी चर्चा की थी और उनसे चर्चा करने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह प्रस्ताव रखा। तो यह प्रस्ताव क्या कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा हो यह प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि हिंदी को दक्षिण के राज्य विरोध करते थे और तमिल तेलुगु या साउथ दक्षिण भारत की भाषाओं का हिंदी प्रदेश के लोग विरोध करते थे, इसलिए यह प्रस्ताव रखा। आज इस प्रस्ताव का उल्लेख करने का कारण वो बताते हैं कि कुछ न्यायालय अंग्रेजी में, उच्च न्यायालय अंग्रेजी में अपना कारोबार करते हैं और कुछ न्यायालय हिंदी में अपना कारोबार करते हैं, यह विसंगति दूर करने के लिए उनको शायद यह घटना याद आ गई है। तीसरी विसंगति यह कहते हैं कि इस प्रस्ताव पर कुछ विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे और कुछ धर्म प्रमुखों के, पंडितों के हस्ताक्षर थे, तो इस प्रकार का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा जाता है, ऐसा तो मुझे ज्ञात नहीं है कहाँ रखा था बाबा साहब ने प्रस्ताव, बाद में हम इसके बारे में सोचेंगे। आइए जरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बातचीत हम लोग करते हैं। पहली बात तो यह, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, अपना बड़प्पन बताने के लिए नहीं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने वंदना संघ दीक्षा भूमि के माध्यम से मराठी भाषी लोगों को संविधान सभा डिबेट्स मराठी में उपलब्ध हो, इसके लिए संविधान सभा डिबेट्स जो करीब 10,000 पेज का अधिकृत डॉक्यूमेंट है, जो आजकल भारत के लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित होता है, यह अधिकृत प्रलेख मैंने मराठी में अनुवादित किया है। इसलिए मैं बड़े अधिकार वाणी से कह सकता हूँ कि संविधान सभा में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा न तो इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा गया और न ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी की, कोई अपना मंतव्य व्यक्त किया, यह मैं निर्धार पूर्वक कह सकता हूँ। उसके रेफरेंसेस भी मैं आपको बाद में दूंगा, जो रेफर करना चाहते हैं वह रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। संविधान सभा में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रस्ताव ही नहीं रखा तो उस प्रस्ताव को अस्वीकृत होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, प्रश्न ही उपस्थित नहीं। इस संबंध में मैं एक बात और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते
संविधान सभा में जो भी प्रस्ताव रखा वह प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, एक भी प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं हुआ। और फिर जब यह कहा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह प्रस्ताव कहाँ रखा था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि या तो संविधान सभा में रखा होगा, संविधान सभा में बिल्कुल नहीं रखा, लॉ मिनिस्टर करके संसद में रखा होगा, बिल्कुल नहीं रखा, विरोधी पक्ष के सदस्य के नाते फिर से राज्यसभा में चुन के जाने के बाद फिर से संसद में राज्यसभा में रखा होगा, वहाँ पर भी इसका उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब ये कि मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते जब वो संविधान को पायलट कर रहे थे, संविधान जब चर्चा के लिए संविधान सभा में रख रहे थे प्रत्येक अनुच्छेद, तब उन्होंने नहीं रखा संविधान सभा में, लॉ मिनिस्टर के रूप में संसद में इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखा, और विरोधी पक्ष के एक सदस्य के नाते राज्यसभा में भी उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखा। तो हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्य सर न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय से कि उन्होंने इस विधान को कहाँ से लिया, यह स्रोत यदि वो घोषित करते हैं तो हम उनके आभारी होंगे, क्योंकि तीन ही फोरम हैं, एक तो संविधान सभा, दूसरा भारत की संसद और तीसरी राज्यसभा, जहां डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार का प्रस्ताव रख सकते थे, रखने की संभावना थी, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार तीनों के लिए अधिकृत डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, कहीं पर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह प्रस्ताव नहीं रखा है। आगे इसके संबंध में मैं कुछ विवरण देना चाहूँगा, उस विवरण के आधार पर हम लोग और भी इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। भारत का संविधान जिसके पास भी है प्रति वह देख सकते हैं, भारत का संविधान भाग 17 और इस अध्याय का शीर्षक है राजभाषा। संविधान सभा में डिबेट्स के पश्चात जो अनुच्छेद राजभाषा के अध्याय में आए हैं वह सारे ही अनुच्छेद संविधान सभा ने स्वीकृत किए हैं, और जैसे के वैसे अनुच्छेद वह संविधान वह अपने भारत के संविधान में है। संविधान, भारत का संविधान, भाग 17, शीर्षक राजभाषा, अध्याय नंबर 1, राजभाषा के संबंध में ऐसा अनुच्छेद है अनुच्छेद 343, शीर्षक है संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। दूसरा है कि संसद जब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं करती तब तक इस अनुच्छेद के खंड 1 में चाहे जो भी लिखा हो 15 साल तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी चलती रहेगी। मतलब भारत में अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषाएं, संघ राज्य की राजभाषा, राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द प्रयोग किया है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं। तो अनुच्छेद 243 का खंड 1 कहता है कि हिंदी देवनागरी लिपि की हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और पार्लियामेंट जब तक कोई निर्णय नहीं लेती तब तक हिंदी के साथ साथ पहले 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी साथ साथ राज्य के, संघ राज्य के कामकाज की भाषा के रूप में अस्तित्व में रहेगी, विद्यमान रहेगी। इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो यह स्पष्ट होती है कि हिंदी यह भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी यह भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। तीसरा, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आज तक 70 साल के बाद भी समांतर रूप से राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कार्यरत है, क्योंकि संसद ने इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। संविधान सभा ने क्या पारित किया अनुच्छेद 343 में, पहला हिंदी राजभाषा होगी,
उसकी लिपि देवनागरी होगी और साथ साथ अंग्रेजी भी पहले 15 साल तक चलती रहेगी। संसद उसके बाद में उसमें कुछ परिवर्तन करती हैं तो वो परिवर्तन संविधान में आ जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी राजभाषा है, साथ में अंग्रेजी भी है। और अभी तक वो इसलिए चल रही है कि इसके बाद में संसद ने इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया है। यह हो गई पहली बात। दूसरा, इसी में एक अनुच्छेद 348 है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या हो इसके संबंध में है। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद का शीर्षक है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयों को आदि के लिए प्रयोग में की जाने वाली भाषा इस भाग के पूर्वगामी अभिबंधों में उपबंधों में किसी भी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संविधान में क्या कहा गया है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती तब तक देश के उच्चतम न्यायालय में और देश के सारे ही सर्वोच्च न्यायालयों में कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। ऐसे स्थिति में यदि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश कहते हैं कि कुछ न्यायालयों में उच्च न्यायालय में हिंदी में कामकाज चलता है तो मुझे इसके संबंध में और कुछ नहीं कहना है क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार संसद ने ऐसा कोई भी कानून नहीं पारित किया है अभी तक जिसमें यह कहा गया हो कि सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी कामकाज कर सकता है। तो इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस प्रकार से असंगति और विसंगतियों से यह भरा उनका वक्तव्य है। दूसरी बात, राजभाषा का विषय या राष्ट्रभाषा का विषय संविधान के मसौदे के माध्यम से संविधान सभा में चर्चा में आया और संविधान सभा में वह अनुच्छेद स्वीकृति के बाद संविधान में लिखा गया। इस प्रक्रिया में जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं वह प्रस्ताव चाहे किसी भी विषय के संबंध में हो वह प्रस्ताव या तो मसौदा समिति के अध्यक्ष रखते हैं या मसौदा समिति का अन्य कोई सदस्य रखता है और वह प्रस्ताव रखने के बाद उस पर संविधान सभा के सदस्य अपने संशोधन चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में संशोधनों पर चर्चा होती है, मूल प्रस्ताव पर चर्चा होती है, संशोधन स्वीकृत होते हैं। यदि स्वीकृत होते हैं तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा रखा गया प्रस्ताव संशोधनों के साथ स्वीकृत माना जाता है। संशोधन अस्वीकृत होते हैं तो संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष या संविधान मसौदा समिति के सदस्य द्वारा रखा गया प्रस्ताव जैसे कि वैसे स्वीकृत होता है और वह संविधान का हिस्सा बनता है। इसमें कहीं पर भी अन्य लोगों के हस्ताक्षर जैसे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश कहते हैं कुछ विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर किए, कुछ पंडितों ने हस्ताक्षर किए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पार्लियामेंट में भी इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं आता बाहर के लोगों के हस्ताक्षर द्वारा, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने यह प्रस्ताव कहाँ रखा, यह सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा संबंधी जो अध्याय है अध्याय क्रमांक 17 भाग क्रमांक 17, इसमें कुल 343 से लेकर तो 351 तक 9 अनुच्छेद है। यह 9 अनुच्छेद पर एक सामूहिक सारे अनुच्छेदों को मिलाकर संविधान सभा में एक ही प्रस्ताव रखा गया था। मैं आपको स्पष्टतया बताना चाहता हूँ कि
यह प्रस्ताव दिनांक 12 सितंबर 1949 को संविधान सभा में रखा गया था। अनुच्छेद 343 से लेकर तो 351 तक 9 अनुच्छेदों के लिए सामूहिक प्रस्ताव संविधान सभा में 12 सितंबर 1949 को संविधान सभा में रखा गया था। यह प्रस्ताव राजभाषा का प्रस्ताव करके जाना जाता है, माना जाता है। यह प्रस्ताव माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा नहीं रखा गया था। ध्यान से सुनिए, यह प्रस्ताव राजभाषा संबंधी संविधान में अनुच्छेद रखने संबंधी का प्रस्ताव 343 से लेकर 351 तक ये जो अनुच्छेद आए हैं इसके संबंध में एक सामूहिक प्रस्ताव जो रखा गया था वह माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं रखा गया था। यह प्रस्ताव रखा गया था संविधान मसौदा समिति के दूसरे सदस्य एन गोपाला स्वामी अय्यंगार द्वारा रखा गया था। यह महत्व की बात है। प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर यदि रखते तो फिर संस्कृत का प्रस्ताव उन्होंने रखना चाहिए था, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा ही नहीं। प्रस्ताव किसने रखा? संविधान मसौदा समिति के दूसरे सदस्य एन गोपाला स्वामी अय्यंगार जी ने यह प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में डिबेट्स के संबंध में जब प्रस्ताव रखा गया तो उसका क्रमांक था अनुच्छेद 301A, अनुच्छेद 301B, अनुच्छेद 301C, अनुच्छेद 301D, अनुच्छेद 301E, अनुच्छेद 301F, अनुच्छेद 301G और अनुच्छेद 301H। बाद में यह सारे अलग अलग अनुच्छेद बने। अनुच्छेद 301A अनुच्छेद 343 बन गया, बी 344 बन गया और इस प्रकार से अंतिम अनुच्छेद 301H या अनुच्छेद 351 बन गया है। तो संविधान सभा डिबेट से यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए दिनांक 12 सितंबर से लेकर तो 12 सितंबर 13 सितंबर 14 सितंबर 1949 के डिबेट्स देखिए, इस राजभाषा संबंधी के सारे डिबेट्स उसमें हैं। 3 दिन तक सवेरे शाम चर्चा हुई, अनेक सदस्य इस पर बोले परंतु इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई बात नहीं की। इसकी साक्षी 12 13 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा डिबेट्स में उपलब्ध हैं। जिसके भी पास हिंदी अंग्रेजी मराठी के डिबेट्स हैं वह इसको देख सकते हैं, देखकर अपना अपना मत बना सकते हैं। तो यह चर्चाएं 12 13 14 सितंबर 1949 तक चलती रही, बड़ी दीर्घ चर्चाएं हुई और बहुत अधिक संशोधन भी इस पर रखे गए। जैसा मैंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव श्री एन गोपाला स्वामी अय्यंगार द्वारा रखा गया और प्रस्ताव रखने के समय वो बोलते हैं कि राजभाषा संबंधी अंतिम निर्णय क्या हुआ है इसकी जानकारी संविधान सभा के सारे ही मान्यवर सदस्यों को है, क्योंकि यह संविधान सभा में राजभाषा के संबंध में प्रस्ताव कौन सा रखना है इसका निर्णय एक दिन पहले ही कांग्रेस की जो संविधान सभा की विशेष समिति थी उसमें लिया गया था। उसमें चर्चा हुई साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन और बाद में एक मत से हिंदी राजभाषा बने
ऐसा प्रस्ताव एक दिन पहले उस कमेटी ने स्वीकृत किया था जो कांग्रेस की कमेटी थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसका भी उल्लेख करते हैं कहीं और इसलिए करते हैं कि वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे परंतु मंत्री थे और साथ में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको इस प्रकार की बैठकों में प्रवेश मिलता था। तो गोपाला स्वामी अय्यंगार कहते हैं कि सारे ही सदस्य जानते हैं कि कल क्या निर्णय हुआ, इसलिए उसके संबंध में मुझे कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि संघ राज्य की राजभाषा हिंदी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और संविधान लागू होने के दिन से 15 साल तक अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। उसके बाद यदि संसद चाहे तो कोई दूसरा निर्णय ले सकती हैं। बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य था, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतनी बात हमारे काम की थी जो मैंने पढ़ी। हाँ, संविधान सभा में संस्कृत राजभाषा और राष्ट्रभाषा हो यह संशोधन जरूर प्रस्तुत किया गया था, परंतु यह संशोधन पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह संशोधन प्रस्तुत किया था 13 सितंबर 1949 को पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र द्वारा। और जब वो अपना संशोधन प्रस्तुत करते हैं तब वो कहते हैं, लक्ष्मीकांत जी मैत्र पंडित, मैं संस्कृत ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा हो ऐसा प्रस्ताव रखता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा संस्कृत ही होनी चाहिए, ऐसी मेरी स्पष्ट मान्यता है और इसीलिए मैं यह संशोधन मूल प्रस्ताव को संशोधन प्रस्तुत करता हूँ। और बड़ा ही अच्छा वक्तव्य उन्होंने इस संबंध में दिया, वह उपलब्ध है संविधान सभा डिबेट्स में। और फिर जैसा मैंने कहा, 3 दिन तक दीर्घ चर्चा इस पर चली। कुछ सदस्यों ने अपने संशोधन रखे, किसी और सदस्य ने संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा हो या संशोधन नहीं रखा, कि और सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उसमें से मैं कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए। उनमें संविधान सभा के एक सदस्य और मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे, माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। इन्होंने भी इस विषय पर अपना मत व्यक्त किया और वो कहते हैं हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में क्यों मान्यता दी। वो बंगाली थे, फिर भी कहते हैं कि हमने हिंदी को क्यों स्वीकार किया। हमने हिंदी को इसलिए स्वीकार किया कि अभी भारत की जनसंख्या 34 करोड़ है, 32 करोड़ है, तो उसमें करीब 14 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी है, उसमें से करीब 14 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी, और भारत में अधिकतम लोग हिंदी से परिचित हैं, हिंदी को जानते हैं, इसीलिए हिंदी सर्वोत्तम भाषा नहीं होते हुए भी हमने हिंदी को मान्यता दी है। संस्कृत भाषा हो इसके संबंध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यदि यह कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बोले तो बड़ा अच्छा होता। यदि यह कहते हैं कि लक्ष्मीकांत मैत्र ने प्रस्ताव रखा था परंतु वह पारित नहीं हुआ तो बड़ा अच्छा होता, परंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि संस्कृत का प्रस्ताव रखा तो न तो संविधान सभा में रखा, न तो संसद में रखा और न ही राज्यसभा में रखा, तो कहाँ रखा वो प्रस्ताव। यदि यह बात बताते हैं तो हम लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी बात होगी, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस समय बड़ा लंबा भाषण दिया और
उनके भाषण के मैं सिर्फ एक संक्षेप में बताना चाहूँगा कि इस चर्चा में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे मित्र और सहकारी मंत्रिमंडल में सदस्य थे गोपाला स्वामी अयंगार जी ने जो प्रस्ताव रखा उसका समर्थन मैं करता हूँ, और समर्थन पर उन्होंने बड़ा ही लंबा चौड़ा एक भाषण दे दिया। अंत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी इस संबंध में अपना मंतव्य व्यक्त किया, और मंतव्य व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि यदि इतिहास को देखा जाए तो इतिहास में इस देश में कभी भी कोई भी एक भाषा न तो राज्य के कामकाज की भाषा थी, न तो शासन की भाषा थी, न तो प्रशासन की भाषा थी। इतिहास में अलग अलग भाषाओं में शासन प्रशासन चलता था। हाँ, संस्कृत जरूर हिंदू धर्म ग्रंथों की भाषा है, संस्कृत में साहित्य भी है, उसका अध्ययन सारे भारत में किया जाता है, परंतु संस्कृत कभी भी इस देश की शासन प्रशासन की भाषा नहीं थी। यह वक्तव्य 14 सितंबर 1949 का है, माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा अध्यक्ष। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश तत्कालीन आज के निवृत्त, जैसा मैंने कहा कि 23 अप्रैल 2021 को शरद बोबड़े जी सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के पद से निवृत्त हुए हैं, परंतु जब उन्होंने ये वक्तव्य किया तब वो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि संविधान सभा में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा यह प्रस्ताव नहीं रखा गया, यह निश्चित तौर पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय कहते हैं तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह प्रस्ताव कहाँ रखा गया होगा। बाहर कहीं रखने से तो संस्कृत या राष्ट्रभाषा नहीं बनती, क्योंकि वो प्रस्ताव या तो संविधान सभा में आना चाहिए था या तो संसद में आना चाहिए था, अन्य कहीं रखा हो तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सर्वोच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायमूर्ति आज के और तत्कालीन विद्यमान न्यायमूर्ति यदि कहते हैं कि ऐसा प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया था, तो हम विनंती करते हैं उनको, हम अनुरोध करते हैं उनको, बड़ी नम्रता से अनुरोध करते हैं कि कृपया उसका स्रोत घोषित कीजिए। यह विधान उन्होंने कहाँ से लिया है, इसका अधिकृत स्रोत घोषित कीजिए। किसी न्यूज़पेपर में आई हुई समाचार नहीं, वह अधिकृत स्रोत नहीं होता है, अधिकृत स्रोत वह नहीं होता है। जैसा मैंने संविधान सभा डिबेट्स कहा है, यह अधिकृत स्रोत है। जैसा मैंने पार्लियामेंट्री डिबेट्स कहा है, यह अधिकृत स्रोत हैं, ऐसा अधिकृत स्रोत बताएं। यदि वह इस प्रकार का अधिकृत स्रोत नहीं बताते और फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से ऐसा कोई विधान वह करते हैं, तो स्वाभाविकतया मेरे जैसे व्यक्ति के मन में उनके हेतु के प्रति शंका उपस्थित होती है। मैं शंकास्पद हुआ कि किस उद्देश्य के लिए, किस हेतु के चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश इस प्रकार का विधान करते हैं, और उनके हेतु के प्रति शंका उपस्थित होती है। मैं इस शंका का निवारण चाहता हूँ, और इस शंका का निवारण केवल और केवल माननीय न्यायमूर्ति बोबड़े जी ही कर सकते हैं, स्पष्टीकरण देकर, घोषित कर कि यह सोर्स हैं, यहाँ से मैंने यह विधान लिया हुआ है, सोर्स अधिकृत होना चाहिए, इतना ही हमारा अनुरोध है। अंत में अपने वक्तव्य के, अपने मंतव्य की समाप्ति के समय मैं सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक रेफरेंस देना चाहूँगा। माननीय महोदय, आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायमूर्ति थे
14 अप्रैल 2021 को जब आपने वक्तव्य किया तब, आज 24 अप्रैल, कल आप निवृत्त हुए, आज 24 अप्रैल को मैं बात कर रहा हूँ, तो 24 अप्रैल को आप निवृत्त न्यायमूर्ति हैं, फिर भी यही कहना पड़ेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ब्रैकेट में निवृत्त। मैं आपको अनुरोध कर बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का एक सेंटेंस बताता हूँ। आप न्यायमूर्ति रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, मेरे लिए बड़े श्रद्धेय हैं, मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं। आपने जो कहा, आपने जो कहा उसके संबंध में, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में 18 मई 1951 को संविधान के प्रथम संशोधन पर बात करते हैं, तब वह कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यायाधीशों के संबंध में कहते हैं, न्यायाधीशों के निर्णय के संबंध में कहते हैं। और वो उदाहरण देते, जब मैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जब मैं कोर्ट में खड़ा होता था, अपने 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 जो मेरे जो क्लाइंट थे उनकी पैरवी करता था, और जब न्यायाधीश सामने बैठा हुआ न्यायाधीश कोई निर्णय देता था, तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं उनसे कहता था कि आई एम बाउंड टू ओबे योर जस्टिस बट आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट इट। आई एम बाउंड टू ओबे योर जस्टिस बट आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट इट। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायमूर्ति जी से यही कहना चाहूँगा, आई मे बी बाउंड टू ओबे योर स्टेटमेंट, एक्सेप्ट, आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट बट आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट योर स्टेटमेंट। आई मे बी बाउंड टू रिस्पेक्ट योर स्टेटमेंट बट आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट योर स्टेटमेंट। डॉक्टर अम्बेडकर सारे ही न्यायमूर्तियों को कहते हैं और सारे ही वकीलों को कहते हैं कि मैं आज के निर्णय का आदर नहीं करता, यह कहने का अधिकार है प्रत्येक वकील को और एक नागरिक को भी वह अधिकार प्राप्त है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे से इस सारे वार्तालाप में यदि कोई भूल चूक होती है तो मैं अल्पमति हूँ, यह मान्य करता हूँ और मैं उसके लिए भी क्षमा भी चाहता हूँ, परंतु जब तक मुझे स्रोत की जानकारी नहीं मिलती तब तक मैं अपने इस मत पर निश्चित रूप से खड़ा हूँ। धन्यवाद।